से नहीं निकाल सकते आप। जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता ऐसी थी कि उन्होंने 1951 में IIT IIM जैसी संस्थाएं बनाई हैं, इसरो जैसी संस्था बनाई है, और आपने क्या बनाया है? शौचालय दे दो नौकरी इसमें। अरे मैं बताना चाहता हूँ कितनी बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं, मगर आपकी तरह इवेंट करने का काम नहीं करा नरेंद्र मोदी जी। अमेरिका में मोदी जी ने कहा कि हर दिन एक नई यूनिवर्सिटी भारत में खुल रही है। हर दिन जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे से बात करने के बाद आप चेक करिए गूगल पे, गूगल पूरी जनता जानती है, चलाना जानती है कि कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने हॉस्पिटल बनाए इन्होंने। अरे भाई उंगलियों पे भी गिन सकते हो आप, अगर एक भी बनी हो तो उंगलियों पे गिन सकते हो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, उंगली पे गिन सकते हो। कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। हर बार ये कहते हैं कि मेरे को 5 साल और दीजिए। नरेंद्र मोदी जी मांगते हैं वोटों की भीख, मांगते हैं कि मैंने 5 साल काम नहीं करा, अब मुझे 5 साल और दे दीजिए। अरे भाई आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने 5 साल कुछ नहीं करा, फिर 5 साल कुछ नहीं करा, अब आपको क्या लगता है जनता 5 साल और देगी? 5 साल और देगी? अरे वोट की चोट से आपकी सरकार को गिराएगी। ये भी साहब एक सवाल है आपसे, आपके हाथ से म्यूजियम चला गया, नेहरू म्यूजियम का नाम चेंज कर दिया गया। आज द वायर में एक खबर छपी है, उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सिलेबस से नेहरू जी का नाम हटाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ सिलेबस से हटा दो नाम, कहीं से भी नाम हटा दो, मगर जनता से और बच्चों के दिलों से आप कभी भी जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं हटा सकते। सुनिए आप नहीं हटा सकते। याद रखिए, हर देश में, हर बच्चों में, हर युवाओं में जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है। इस देश को आज़ाद कराने कराया भाई, 9 सालों हो गए। सुनो, 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं करा, सोचिए 9 साढ़े 9 साल तो जेल में काट कराए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ये क्या करेंगे, इन्हें पता क्या है? उस खबर में यह भी लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। देखिए सुनिए, आप सब चीज़ों से हटा दो, मगर मैं बताना चाहता हूँ, ये देश की जनता जानती है, ये युवा जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, सरदार पटेल जी ने क्या किया है, भगत सिंह जी ने क्या किया है, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है। सवाल 24 में, और सावरकर ने क्या किया भाई? आखिरी सवाल, माफीनामा, वो माफीनामा है। वीर सावरकर कहाँ जा रहा है? अरे भाई छोड़ दो आप, अभी उस पर पिक्चर बना रहे हैं, कभी द कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, कभी सावरकर पे फाइल्स बनाते हैं। अरे फाइल्स बनाइए गुजरात के दंगों पर, क्या किया था आपने? अरे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी राजधर्म अपनाइए। भाई क्या क्यों कहा था उनको? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उन पर सजा क्यों नहीं दिया? सुनिए, ऐसा काम नहीं करा कभी भी, मगर ये नहीं पता था कि ये इतने गलत लोग हैं कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी संस्थाएं ED CBI इनको इस तरीके से काम किया है। आखिरी सवाल 24 में कौन आएगा, कांग्रेस या BJP? कांग्रेस सरकार आएगी। मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, बनाएंगे 24 में क्या कांग्रेस मुक्त सरकार बनाएंगे 24 में? अभी BJP मुक्त कहाँ हो रहे हैं? कर्नाटक में हो गए ना, मैंने आपको फिर बोला हर जगह मुक्त होने वाले हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री को हराने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता काफी है। अरे राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ी ताकत है, मैं बता दूं, ये देश की जनता जानती है। भारत जोड़ो यात्रा से जनता को समझ में आया है कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, मगर देश की जनता को के सामने आया है कि राहुल गांधी जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, और हर जनता को, चाहे मजदूर, किसान, युवा, महिलाएं, सबको गले से लगाने का काम किया है, और जनता की बात सुनी है, जनता के मन की बात सुनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मन की बात करके चली जाती है TV रेडियो पर। ये भी साहब आखिरी सवाल है और इसी साल खत्म करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बिहार में दूल्हे बहुत इकट्ठे हुए, लेकिन सेहरा किसके सर पे बंधेगा? देखिए मैं आपको फिर बता दूं, सेहरा तो राहुल जी के सर पे ही बंधेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, सरकार कांग्रेस की बनेगी, और देश के प्रधानमंत्री, भव्य प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा, याद रखिए आदरणीय राहुल गांधी जी बनेंगे।